सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आप सभी के साथ और प्यार के लिए सादर धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सभी को मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आ रही होंगी। मेरा उद्देश्य हिंदू धार्मिक कथाओं का ज्ञान आप सभी तक पहुंचाना है, तो इसी तरह हमारी सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए व बने रहिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक विशेष कथा को लेकर आई हूँ। यह कथा ऋषि रोम हर्षण की है। आपने पौराणिक कथाओं में सूत जी का नाम अवश्य सुना ही होगा। आज हम उसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। हम इस कथा के माध्यम से आज ऋषि रोम हर्षण की मृत्यु व जीवन दोनों के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आपने पौराणिक कथाओं में सूत जी का नाम अवश्य सुना ही होगा। आज हम आपको उन्हीं के बारे में जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। रोम हर्षण वेद व्यास जी के परम प्रिय शिष्य थे। यह सूत जाति के थे। महर्षि वेदव्यास बहुत ही उदार विचारों के थे। रोम हर्षण के स्तुति पाठ तथा शास्त्र पुराणों में उनकी रुचियों को देखकर व्यास जी ने रोम हर्षण को अपना शिष्य बनाया था। रोम हर्षण ने पुराण विद्या का ऐसा पारायण किया कि उनकी प्रतिभा चमत्कृत हो गई। जाति से अत्यंत नीच होते हुए भी व्यास जी की कृपा से पुराणों शास्त्रों का उन्होंने गहन अध्ययन किया और कई ग्रंथों की रचना की। वेदव्यास जी ने रोम हर्षण को समस्त पुराणों को पढ़ाया और आशीर्वाद दिया कि तुम समस्त पुराणों के वक्ता बनोगे। इसीलिए रोम हर्षण समस्त पुराणों के वक्ता माने जाते हैं। यह सदा ऋषियों के आश्रम में घूमते रहते थे और सबको पुराणों की कथा सुनाया करते थे। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि निवास करते थे। सूत जी उनके यहाँ सदा कथा कहा करते थे। यद्यपि सूत जाति के थे, फिर भी पुराणों के वक्ता होने के कारण समस्त ऋषि इनका आदर करते थे और उच्चासन पर बिठाकर इनकी पूजा करते थे। इनकी कथा इतनी अद्भुत होती थी कि आसपास के ऋषिगण जब सुन लेते थे कि अमुक जगह सूत जी आए हैं, तब सभी दौड़ दौड़ कर इनके पास आ जाते थे और विचित्र कथाएं सुनने के लिए इन्हें घेर कर चारों ओर बैठ जाया करते थे। पहले तो ये सब ऋषियों की पूजा करते, उनका कुशल प्रश्न पूछते और कहते, ऋषियों आप कौन सी कथा मुझसे सुनना चाहते हैं? इनके प्रश्न को सुनकर शौनक या कोई वृद्ध ऋषि किसी तरह का प्रश्न देते और कह देते, रोम हर्षण सूत जी, यदि हमारा यह प्रश्न पौराणिक हो और पुराणों में गाया हो तो इसका उत्तर दीजिए। ऐसी कौन सी बात है जो पुराणों में ना हो? पहले तो सूत जी उनके प्रश्न का अभिनंदन करते और फिर कहते, आपका यह प्रश्न पौराणिक ही है। इसके संबंध में मैंने अपने गुरु भगवान वेद व्यास से जो कुछ सुना है उसे आपके सामने कहता हूँ, सावधान होकर सुनिए। इतना कहकर सूत जी कथा का आरंभ करते और यथावत समस्त प्रश्नों का उत्तर देते हुए कथाएं सुनाते। इस प्रकार ये सदा भगवत लीला में और उनके कीर्तन में ही लगे रहते। इनसे बढ़कर भगवान का कीर्तन गान कौन ही करेगा? रोम हर्षण जी की मृत्यु भगवान बलराम के द्वारा हुई थी। नैमिषारण्य में तीर्थ यात्रा करते हुए भगवान बलराम जी पहुंचे। ये उस समय व्यासन पर बैठे थे, उन्हें देखकर उठे नहीं। इस पर बलराम जी को क्रोध आ गया और उन्होंने उनका सिर काट दिया। महर्षि शौनक ने बलराम जी से कहा, रोम हर्षण का वध करके जहां आप ब्रह्म हत्या के दोषी हुए हैं, वहीं आपने हम ऋषियों का भी बहुत अहित किया है। रोम हर्षण के वध से पुराण विद्या के लोप होने का भय है। बिना सोचे विचारे किए गए कार्य का दुष्परिणाम स्वयं अपने के अलावा बहुतों का अहित करता है। महर्षि शौनक की व्याध भरी बात सुनकर भगवान बलराम स्तब्ध रह गए। अब क्या कर सकते थे?
खेद तथा दुख से सिर झुकाकर बोले, निश्चय ही मैं अपराधी हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप लोगों ने स्वयं रोम हर्षण को ये सम्मान दिया है। मैं तो यही समझता था कि वे अभिमान से इस आसन पर बैठकर उदंडता कर रहा है। अपने अविवेक से मैंने जो कर्म किया है इसका कर्म फल मैं भोगूंगा, पर पुराण गाथा आगे चले इसके लिए क्या करूं? शौनक ने कहा, रोम हर्षण का पुत्र उग्रश्रवा भी अधिक विद्वान है, हम उसे बुलाकर पुराण गाथा श्रवण करने का प्रबंध करेंगे, इस विद्या का लोप नहीं होने देंगे। श्रुति के माध्यम से हम इसे ग्रहण कर इसकी परंपरा को आगे बढ़ाते रहेंगे। बलराम शौनक के चरणों पर गिरकर बोले, मुनिवर आप उग्र श्रवा को बुलाकर इस व्यास गद्दी पर बैठाइए, मैं उनके आसनासीन होने पर उनसे अपने अपराध की क्षमा याचना करूंगा तथा ब्रह्म हत्या दोष के निवारण के लिए तीर्थों में घूम घूम कर प्राश्चित भी करूंगा। ऋषि शौनक ने उग्र श्रवा को बुलाकर सारी स्थिति बताई और उसे व्यास गद्दी पर बैठाया। बलराम ने अपने अपराध की क्षमा मांगी और प्राश्चित के लिए चले गए। उग्रश्रवा ने पुराण सुनाना प्रारंभ किया। आजकल जो पुराण उपलब्ध है उसमें कई में रोम हर्षण का संवाद मिलता है और कई में उग्रश्रवा का मिलता है। रोम हर्षण के जीवन काल में ही उग्रश्रवा को ऋषि तथा ब्राह्मण समाज में बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त थी। उग्रश्रवा ऋषियों की श्रेणी में थे। इससे विविध होता है क्योंकि प्राचीन काल में जाति से अधिक गुण का सम्मान होता था। प्राचीन काल में प्रतिष्ठा प्राप्त करने तथा विद्या अर्जित करने में जाति बाधक नहीं थी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और ऐसी ही और भी धार्मिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद दोस्तों।